बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेंगे क्वेश्चन की और तुम्हें मैं पैटर्न समझा दूंगा कि एडजस्टमेंट को कैसे लगाना है सीख तो लिया अब करना कैसे है वो तो सीख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बड़े ध्यान से समझना कॉपी पेन लेके आ जाओ क्वेश्चन तुम्हें मेरे साथ साथ करना है चलिए लेट्स बिगेन चलिए जी अब हम एडजस्टमेंट्स के साथ शुरू करते हैं जो हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट रह गई थी वो थी मैनेजर्स एक्ष्ट। एक्ष्ट। जो देनी रह गई है मतलब आपको अपने मैनेजर को कमीशन देनी थी और देनी रह गई है तो जब किसी भी मैनेजर को कमीशन देनी रह जाती है तो हम क्या करते हैं यार गलती क्या है कि मैनेजर को कमीशन देनी थी अब वो कमीशन देनी किस पे है कई बार ये देता है कि कमीशन दो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए या फिर ये बोलेगा कमीशन दो नेट प्रॉफिट पे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कितना है तो ये हो सकता है आपको बोले कि मैनेजर इज टू बी प्रोवाइड कमीशन एट द रेट टेन परसेंट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट तो जीपी सही होना चाहिए या मैनेजर इज टू बी प्रोवाइड कमीशन एट द रेट टेन परसेंट ऑन नेट प्रॉफिट तो वो भी सही होना चाहिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम मैनेजर को कमीशन देंगे तो लिखेंगे कहा भाई साहब कोई भी खर्चा है पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखेंगे

बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी आपको जो मैनेजर को कमीशन देनी है वो देनी तो नेट प्रॉफिट पर ही है बट नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग शब्द लिखा होगा तो समझ जाना कि सपोज 10% परसेंट लिखा 10 10 तो है 10% ऑन नेट इसको मैं आपको डिटेल में, में समझाऊंगा बट अभी के लिए एडजस्टमेंट के लिए समझ लो कि अगर ऐसा आया बिफोर चार्जिंग आया तो आपको सिंपली करना है नेट प्रॉफिट इन टू अपॉन हंड्रेड जैसे आप कोई भी फिगर निकालते हो बट अगर ऐसा आ गया आफ्टर चार्जिंग शब्द आ गया तो आपको क्या करना होगा नेट प्रॉफिट इंटू टेन अपॉन वन हंड्रेड टेन सपोज परसेंट हुआ तो नेट प्रॉफिट इंटू पांच अपॉन एक सौ पांच सपोज पंद्रह याद रखना अगर पांच परसेंट है तो नेट प्रॉफिट इंटू फाइव अपॉन वन जीरो सात परसेंट है तो नेट प्रॉफिट इंटू सेवन अपॉन वन जीरो तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो कि मैनेजर कमीशन देनी है तो मैनेजर कमीशन कैसे देनी है आपको नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग है तो सिंपली आफ्टर चार्जिंग है तो ऐसा ठीक है उसके बाद एक लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बचा है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस But considered as actual sale. इसमें क्या होता है बच्चे हमने माल बेचा है लेकिन अप्रूवल बेसिस पे सर अप्रूवल बेसिस क्या है जैसे हम कई बार अपने जानकार से किसी से सामान लेने के लिए जाते हैं वो हमारा जानकार है हम उसको बोलते हैं भाई घर पे दिखा लूँ एक बार अच्छा लगा तो रख लूंगा अदरवाइज मैं वापस कर जाऊंगा तो मेरा कोई कस्टमर ऐसे ही ले गया था अप्रूवल बेसिस पे सामान ले गया था कि अच्छा लगा तो रख लूंगा नहीं तो वापस कर दूंगा मैंने भी दे दिया यार मेरा रेगुलर कस्टमर था मैंने दे दिया अब मैंने उसको गलती से मेरे अकाउंटेंट ने उसको गलती से एक्चुअल सेल कंसिडर कर लिया यानी उसने डेटर बढ़ा दिया और सेल भी बढ़ा दिया कि यार सेल हो गया जबकि वो सेल हुआ नहीं था वो सिर्फ अप्रूवल पे लेके गया था अभी सेल नहीं हुआ था तो अब इसको मैं कैसे सही करूं मेरे से गलती हो गई मैंने सेल बढ़ा लिया डेटर बढ़ा लिया सही कैसे करूं इसको तो इसको सही करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको सेल को करना पड़ेगा इसमें कम यानी आपको सेल में से माइनस करना पड़ेगा कौन से प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे तो सबसे पहले तो आप इसको सेल्स में से कम करोगे दूसरी जगह आप क्या करोगे इसको डेटर में से भी कम करोगे क्योंकि ये एक्चुअल सेल नहीं थी ये भी कौन से प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे सर अगर सेल थी ही नहीं आपने सेल से हटा दिया डेटर से हटा दिया तो स्टॉक में भी तो माल जुड़ना चाहिए भाई अगर सेल कम हुई है तो माल वापिस आया इसका मतलब तो स्टॉक में भी तो जुड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसको क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक में 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 ऐड करेंगे करेंगे ट्रेडिंग में भी और क्लोजिंग में ही हम बैलेंस शीट के एसेट्स में भी इसका मतलब सर ये दो जगह जाता है कि चार जगह जाता है दो तो ये है ही दो ये भी है और याद रखना क्लोजिंग स्टॉक में जब आप ऐड कर रहे हो तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा यानी इस एडजस्टमेंट में आपको दो प्राइस दिए हुए होंगे कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी जब आप सेल और डेटर में एडजस्ट करोगे तो सेलिंग प्राइस पे करना क्योंकि सामने वाले को माल तो सेलिंग प्राइस पे ही बेचा होगा ना बट जब आप अपने स्टॉक में ऐड करोगे तो स्टॉक में प्रॉफिट जोड़ के थोड़ी ऐड करोगे स्टॉक में तो कॉस्ट प्राइस पे ऐड करोगे तो स्टॉक में कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो चार जगह जाता है बाकी सब एडजस्टमेंट दो दो जगह इंश्योरेंस वाला मैक्सिमम तीन जगह गया था लेकिन ये चार जगह एडजस्ट होगा ठीक है डन तो ये आपकी दो एडजस्टमेंट्स रह गई थी जो मैंने आपको करा दी अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले बच्चे फॉर्मेट बना लिया करो जैसा मैंने आपको वहां पे भी बताया था विदाउट एडजस्टमेंट में भी तो वी विल ऑलवेज प्रिपेयर अ फॉर्मेट फर्स्ट और फिर हम चीजें शुरू करते हैं ये हो गया हमारे पास ट्रेडिंग एंड पी एंड एल मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बच्चा कह रहा था कि हमारे स्कूल में ना सर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अलग अलग बनाया है तो कोई बात नहीं है यार अलग अलग बनाया तो आप दो फॉर्मेट्स बना लो ट्रेडिंग का अलग पी एंड एल का अलग उसमें कोई इशू नहीं है और एक होता है हमारे पास बैलेंस शीट तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो हम इस तरीके से लिख देंगे ठीक है डन ये बैलेंस शीट आ गया और ये ट्रेडिंग एल आ गया बैलेंस शीट में हम लिखते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट और इधर पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अब देखते हैं सर क्वेश्चन कैसा आता है देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा

ओपनिंग स्टॉक को मार्क कर दिया फिर दिया भाई डेप्रिशिएट करो फिक्स एसेट्स को तो फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है तो फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट है तो हम लोग फिक्स एसेट्स को मार्क कर लेंगे इसको स्टार लगा दिया जी उसके बाद कमीशन अर्नड नॉट रिसीव्ड यानी कमीशन पे एडजस्टमेंट है फिर आप कमीशन को मार्क कर लो लो सर कमीशन को भी मार्क कर दिया उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो आप रेंट को मार्क कर दो रेंट 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 ट्रेंट रेंट कहाँ है रेंट को भी मार्क कर दिया उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स को भी मार्क कर दिया देखो तो एक दो तीन चार पांच छह छह स्टार लगा दिया आपको हर क्वेश्चन में पहले से ऐसे ही कर लेना है इससे क्या बेनिफिट होगा आपका कोई भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा आपसे गलती नहीं होगी एडजस्टमेंट में आप भूलोगे नहीं ठीक है क्योंकि मैं स्लाइड डेटाऊंगा तो ये स्टार हट जाएंगे बट आपकी बुक में तो लगे रहेंगे ना तो याद रखना है कि स्टार लगा के चलने हैं ताकि गलती ना हो ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो फटाफट ओके डन शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में परचेज सेल दिया हुआ है बट बिफोर दैट हमें पता है कि कुछ चीजें फिक्स्ड हैं जैसे कि शुरुआत हमेशा ओपनिंग स्टॉक के साथ होगी ओपनिंग स्टॉक उसके बाद परचेज माइनस परचेज रिटर्न इधर हमारे पास सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक ये हमें फिक्स्ड है ये फॉर्मेट का याद रखना है ठीक है डेबिट क्रेडिट मेंशन कर देना ठीक है चलो अब शुरुआत करते हैं हमें जो जो चीजें दी होती हैं परचेज सेल दे रहा है सबसे पहले परचेज है देखो ऐसा दिखाता हूँ ट्वेंटी परचेज टू सेवेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी टू सेवेंटी 275 520 ये हमने परचेज और सेल लिख दी दे, देखो सबसे पहले इनर कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि रिटर्न आएंगी हमारे सामने अब देखो आ गया रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड का मतलब है बच्चों माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न आउटवर्ड का मतलब वापस जा रहा है परचेज रिटर्न सेल रिटर्न पंद्रह पंद्रह और नो सेल रिटर्न पंद्रह परचेज रिटर्न नो तो हमारे पास टू सिक्सटी सिक्स की तो परचेज आ गई और पाँच लाख पांच हजार की सेल आ गई ठीक है जी ये हो गया हमारे पास डन परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न देन वी हैरेज कैरेज पे आएगा सोचो बेटा कैरेज किराया किराया मैंने आपको कहाँ लिखवाया है ट्रेडिंग में लिखवाया है तो कैरेज आता है ट्रेडिंग में बारह हजार चार सौ कैरेज आपका बारह हजार चार सौ टू कैरेज ये आ गया ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड देन वेजेज एंड सैलरीज दिया हुआ है वेजेज एंड सैलरीज भी हमेशा ट्रेडिंग में ही आएगा क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करने वाले को दी जाती हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेजेज एंड सैलरीज कितना है वेजेज एंड सैलरीज हमारे पास वेजेज एंड सैलरीज है फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वेजेस सैलरी भी हो गया उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस यूजुअली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस देखेंगे ट्रेडिंग में डाल देंगे नहीं बेटा ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना माल बेचना तो माल बेचने वाली एडजस्टमेंट सब पी एंड एल में आती है ट्रेडिंग में नहीं ट्रेडिंग में तो फैक्ट्री प्रोडक्शन परचेज या इनवर्ड चार चीजें लिखी होंगी अभी ट्रेड है तो ट्रेडिंग नहीं है ट्रेड मतलब माल बेचना है सेल है ये तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपके बाईस सौ रुपए जो है ट्रेड एक्सपेंसेस जो बाईस हैं वो पी एंड एल में आएंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूं कि यहां से हमारा पी एंड एल शुरू हो गया तो बाईस सौ हमने लिख दिया देखो इसको ऐसे बनाने का बेनिफिट पता क्या होता है आप ना कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करोगे अदरवाइज आप पहले सिर्फ ट्रेडिंग फिर पी एंड एल फिर बैलेंस शीट तो चांसेस आर मोर की गलती हो जाएगी तो साथ साथ लेके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी ठीक है टाइम भी सेव होगा ट्रेड एक्सपेंसिस हो गया देन वी हैव रेंट 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 और एडजस्टमेंट था rent है बच्चे तेरह हजार रुपए अब सबसे पहले ये पकड़ो कि रेंट ना आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कोई भी आइटम क्रेडिट में है तो आप भी क्रेडिट में ही लिखोगे कोई भी आइटम डेबिट में है तो आप भी डेबिट में ही लिखोगे नोट कर लो इफ इन ट्रायल बैलेंस आइटम इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड तो वी विल ऑल्सो क्रेडिट दैट आइटम एंड इफ द आइटम इज गिवन ऑन डेबिट साइड वी विल ऑल्सो डेबिट दैट आइटम ठीक है तो ये तेरह रेंट रिसीव डेबिट तेरह हजार क्या है रेंट रिसीव्ड तो हम यहां लिखेंगे बाय रेंट तेरह रुपए इनर में सर इनर में क्यों लिख रहे हैं हम इनर में इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इस पर ना एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट है चेक करते हैं रेंट तेरा हजार रुपए देखो रेंट पे क्या लिखा हुआ है रेंट एडवांस एक, हजार। ओके। हजार में एक हजार एडवांस है तेरह हजार में एक हजार अगले साल का है अब मैंने आपको क्या सिखाया है कोई भी पैसा अगर अगले साल का है तो इस साल की बुक्स में हम लिखेंगे ही नहीं भाई अगले साल का पैसा है तो अगले साल लिखूंगा ना इस साल थोड़ी लिखूंगा तो एक हजार रुपए जो रिसीव्ड इन एडवांस है इसे मैं यहां से माइनस करूंगा माइनस एडवांस रेंट एक हजार यहां से माइनस हुआ तो यहां पे आ गया बारह हजार ऑल दो अगर आपको रटना है तो मैंने वो भी लिखवाया आपको कौन सी चीज कहां जाती है दूसरा कोई भी चीज आपको एडवांस में मिलती है तो वो आपकी लाइबिलिटी है ठीक है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस

2000 ऑडिट फीस 1200 ये सब पी एंड एल के खर्चे हैं है ना ऑडिट फीस 1200 चलो इंश्योरेंस हो गया ऑडिट फीस हो गया इंश्योरेंस डन ऑडिट फीस डन डेटर एंड क्रेटर डेटर आपका एसेट क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी एक दस सिक्सटी टू वन हंड्रेड एक दस सिक्सटी टू वन हंड्रेड ये आपका क्रेडिटर है और ये आपका डेटर है डेटर एसेट में आता है बच्चे क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है ठीक है ध्यान से देख के चलना है गलती कोई नहीं करनी साथ-साथ बना के चलना है डेटर हो गया क्रेडिटर हो गया बीआर बीपी फिर से बीआर एसेट बीपी लायबिलिटी 3300 और 2200 3300 2200 3300 2200 दिस इज बिल्स रिसीवेबल दिस इज बिल्स पेबल तैतीस सौ और बाईस सौ प्रिंटिंग एंड एडवरटाइजिंग पचपन सौ प्रिंटिंग एंड एडवरटाइजिंग पचपन सो टू पांच हजार पांच सौ आपके प्रिंटिंग एडवरटाइजिंग में आ गए उसके बाद कमीशन आ गया बच्चे कमीशन देखो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है तो यानी ये भी रिसीव्ड है कमीशन पे कुछ एडजस्टमेंट थी आई गेस रहा कमीशन भी रिसीव्ड है और कितना है कितना दिया था कमीशन हमारे पास एक हजार रुपये कमीशन दिया है एक हजार रुपये तो हम लिखेंगे बाय कमीशन बाय कमीशन एक हजार इस पे क्या एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट के लिए मैं पेन चेंज करता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से करना है सर कमीशन के बारे में क्या लिखा है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई इट इज अर्नड बट नॉट ये एक्रूड बोल सकते हैं चार सौ रुपये कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड है तो हम प्लस करेंगे चार सौ रुपये यहाँ पे प्लस होंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड और कोई भी पैसा कमा लिया अभी रिसीव नहीं हुआ तो आपका एसेट है ना मिलना है आपको वो पैसा तो यहाँ लिखोगे आप एक कमीशन चार सौ रुपये ठीक है एंड बट नॉट रिसीव हमारे पास रिसीव हो जाएगा चार सौ रुपये में डन इसके बाद क्या है सर कमीशन हो गया कमीशन के बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक थर्टी सिक्स थाउजेंड और ओपनिंग स्टॉक जैसे ही आए इस पर स्टार्ट लगा हुआ होगा यानी क्लोजिंग स्टॉक भी है ओपनिंग थर्टी सिक्स क्लोजिंग सिक्सटी ओपनिंग थर्टी सिक्स क्लोजिंग सिक्सटी ओपनिंग को तो व्हाइट से ही लिख देता हूं क्योंकि ओपनिंग हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है थर्टी सिक्स क्लोजिंग जो है ये दो जगह जाएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट है यहां पे भी आता है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 60 देख रहे हो जितनी भी एडजस्टमेंट है सब दो दो जगह जा रही है और जो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम है वो एक जगह ठीक है ये भी हो गया सर इसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक गया क्लोजिंग स्टॉक गया कैश दिया हुआ है बैंक दिया हुआ है कैश बैंक आपके दोनों एसेट्स हैं बारह आठ सौ और छब्बीस आठ सौ बारह आठ सौ और छब्बीस आठ सौ बारह आठ सौ छब्बीस आठ सौ यह है कैश एंड बैंक आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ था और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था यह हमारे एसेट्स में आ गए कैश भी हो गया बैंक भी हो गया बैंक से लोन लिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का बैंक लोन बीस हजार लाइबिलिटी बैंक लोन आपका बीस हजार लाइबिलिटी इसको यहाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे बैंक लोन 20000 आपकी लायबिलिटी में आ गया ठीक है उसके बाद क्या है सर बैंक लोन इज योर लायबिलिटी उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा है 1500 का आपने इंटरेस्ट पे करा है इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपने जो पे करा है वो है 1500 ठीक है ये आपका खर्चा है तो पी एंड एल के डेबिट में लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन पंद्रह सौ हमने पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन पंद्रह सौ का उसके बाद कैपिटल दो पचास कैपिटल कितना दिया 250, है टू फिफ्टी ठीक है टू फिफ्टी की कैपिटल पंद्रह हजार की ड्राइंग्स टू फिफ्टी की कैपिटल पंद्रह हजार की ड्राइंग्स ओके कैपिटल हम हमेशा यहां पे लिखते हैं टू फिफ्टी ड्रॉइंग्स इसमें से माइनस होती है माइनस ड्रॉइंग्स पंद्रह हजार अब बच्चे एक बात याद रखना कि कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कि ओनर ने जो पैसा लगाया है उस पर उसने इंटरेस्ट मांगा है आठ परसेंट के हिसाब से और नौ सौ उससे हमने लेने हैं क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स करी है तो आठ परसेंट के हिसाब से किस पे निकालेंगे सर एट परसेंट इंटरेस्ट किस पे ऑन कैपिटल साफ साफ लिखा हुआ है तो आठ परसेंट इंटरेस्ट दो लाख पचास हजार रुपये आठ परसेंट अगर आप निकालो वो बैठता है बीस हजार रुपये दो लाख पचास हजार रुपये आठ परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड इंटरेस्ट वो आपको पे करना होगा आपका खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज योर खर्चा बीस हजार और ऑनर को मिलेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बीस हजार रुपये ऑनर को मिल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग ओनर से लिया जाएगा क्योंकि उसने विड्रॉ करा था तो नौ सौ रुपए यहां से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नौ सौ रुपए ये माइनस और यहां पे फर्म को मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नौ सौ रुपए ये फर्म को मिल गया याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करता है डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलता है क्रेडिट में आता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पूरा एडजस्टमेंट उसके बाद सर लास्ट रह गया फिक्स एसेट एसेट तीन लाख के हैं जिन पे डेप्रीसिएशन लगना है दस परसेंट तीन लाख के एसेट और डेप्रिसिएशन लगना है दस परसेंट ठीक है फिक्स एसेट है हमारे पास तीन लाख के जब इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा किस रेट से दस परसेंट के रेट से तो आ जाएगा तीस हजार तो तीन लाख माइनस तीस हजार इज टू सेवेंटी तीन लाख माइनस तीस हजार इज टू सेवेंटी और डेप्रीसिएशन बीइंग एन एडजस्टमेंट तो वो पी एंड एल के डेबिट में भी आएगा कभी भी एसेट का वैल्यू कम होगा फर्म का तो लॉस है ना तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा कितना है हमारे पास तीस हजार रुपये तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप ऑन एसेट

पाँच लाख पांच हजार और साठ हजार तो पांच लाख पैंसठ हजार रुपए तो ये आ गए फाइव सिक्सटी फाइव का टोटल आ गया फाइव सिक्सटी फाइव में से ये सब माइनस कर दो तो यहां पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन और इसी को नीचे ले आते हैं जिसको हम बोलते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन चलो पांच पैसठ माइनस फाइव सिक्सटी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस टू सिक्सटी सिक्स थाउजेंड माइनस बारह हजार चार सौ माइनस अट्ठावन हजार छः सौ वन नाइन्टी टू थाउजेंड का बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वन लाख नाइन्टी टू थाउजेंड ये कैसे आया इसमें से ये सब माइनस कर दिया ठीक है फिर इसको ब्रॉड डाउन करते हैं वन लाख नाइन्टी टू थाउजेंड अब बच्चे आपने जहाँ पे डबल लाइन लगाए ना डबल लाइन लगाने का मतलब ऊपर का काम का खत्म अब आप इसको भूल जाओ ये वाला पार्ट आपके लिए खत्म हो गया बिल्कुल अब हम नीचे आ गए हैं तो बस अब हम नीचे वाला पार्ट देखेंगे नीचे वाले पार्ट का टोटल लगाएंगे फिर उसमें से खर्चे माइनस करेंगे पहले टोटल लगाते हैं इस साइड का इस साइड का टोटल मतलब ये सब ठीक है तो हमारे पास 192,000 प्लस 12,000 प्लस 1,400 प्लस 900 सौ 2,6,300 लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड का टोटल आया इसमें से ये सब हटाएंगे खर्चे ये सब हटाएंगे माइनस ट्वेंटी टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड माइनस बारह सौ माइनस फिफ्टी फाइव हंड्रेड माइनस पंद्रह सौ माइनस बीस हजार माइनस तीस हजार वन फोर थ्री नाइन डबल जीरो इधर वैल्यू आ रही है वन फोर थ्री नाइन डबल जीरो इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ये कहाँ जाता है ऐसे लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल वन फोर थ्री नाइन डबल जीरो यहाँ प्लस होगा नेट प्रॉफ़िट वन फोर थ्री नाइन डबल ज़ीरो सर कैपिटल में तो बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस करनी है चलो करते हैं दो लाख पचास हज़ार की कैपिटल थी माइनस पंद्रह हज़ार उसने निकाल लिए प्लस बीस हजार का उसको इंटरेस्ट मिल गया माइनस नौ सौ का इंटरेस्ट पे करा प्लस वन फोर्टी थ्री नाइन हंड्रेड जो नेट प्रॉफ़िट हुआ तो थ्री लाख नाइन्टी एट थाउजेंड हमारे पास टोटल कैपिटल आ रहा है अब इसका अगर आप सम कर दो फिर चेक करेंगे अगर ये दोनों साइड मैच होगा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है 1000 प्लस 62100 प्लस 2200 प्लस 20000 प्लस 398000 इधर आ रहा है फोर एटी क्या हमारा ये साइड मैच होगा आओ करके देखते हैं वन लैख टेन थाउजेंड थर्टी थ्री हंड्रेड चार सौ सिक्सटी थाउजेंड बारह हजार आठ सौ छब्बीस हजार आठ सौ बिल्कुल मैच हो गया 483 300 हमारा इस साइड आ रहा है एंड दिस इज हाउ आपका बड़ा क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है Guys, I hope आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या इम्पैक्ट आता है एडजस्टमेंट्स का ये समझ में आया होगा और एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करनी है ये तो आई होप दिस हेल्प्स और इसी तरीके से आप बड़े क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे अभी मैं आपको काफी प्रैक्टिस कराऊंगा और हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया ठीक है और इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो बस एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ आएगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू एन्जॉयड दिस और कुछ इश्यू आता है तो कॉमेंट्स में बताओ बाकी मैं तुम्हारे लिए आसान तो चीज़ें बनाऊंगा ही बनाऊंगा थैंक यू सो मच सी यू सुपर सून